कहानी है उस समय की, जब देवता और राक्षसों के बीच हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था। राक्षस भी देवताओं से कम बलवान नहीं थे, किंतु जीत हमेशा देवताओं की होती थी, क्योंकि देवताओं ने अमृत पिया था, एक ऐसा जादुई रस जिसे पीकर सारे देवता अमर हो गए थे, यानी कि उन्हें अब कोई नहीं मार सकता था। राक्षसों के राजा रावण के डर से देवताओं ने अमृत गंगा को संभालने के लिए दे दिया, और अमृत की थोड़ी सी बूंदें विशाल गंगा की लहरों में समा गई। किंतु रावण ऐसे ही हार नहीं मानने वाला था, उसने भी अमृत प्राप्त करने की ठान ली थी। सिक्रासुर! जी महाराज रावण, मैं यही हूँ आपके सामने। सिक्रासुर, हम तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। जी महाराज, आपकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। हमें अमृत ला कर दो, वो अमृत जिसे पीकर हम अमर हो जाएं और हमें कोई भी मार ना सके, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। लेकिन महाराज, अमृत तो विशालकाय गंगा में समाया हुआ है, और वो अमृत सिर्फ तब मिल सकता है जब गंगा खुद से वो अमृत हमें सौंपे। हमें ना सुनने की आदत नहीं, कोई तो रास्ता होगा। जाओ, धरती पर जाओ और पता लगाओ। बात उन दिनों की है जब बालक वन में रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ऐसे ही एक घने वन में महान गुरु वशिष्ठ का आश्रम था। सबसे वो पतंग बनाए, मंगू शीरा चीनी बोले,
लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न को गुस्सा आया, एक लड़ाकू एक पड़ाकू जी देखते मुस्काए। आए राम कहे फिर सबसे चलो चली गंगा में नहाए। मुझे पता है इसके पीछे एक कहानी है। एक बार भैया रुको, ये कहानी मुझे भी आती है, मुझे सुनाने दो। नहीं नहीं, हम ये किस्सा भरत से ही सुनेंगे, उसने तुमसे पहले सुनाना शुरू किया था। नहीं नहीं, ये कहानी मैं ही सुनाऊंगा। शत्रुघ्न, लक्ष्मण ठीक कह रहा है, तुम्हारी हठ अनुचित है। आप लोग मुझसे ज्यादा भरत भैया से प्यार करते हैं, इसलिए मेरी बात कोई नहीं सुनता। देखो तुम जाओ यहाँ से और हमें शांति से कहानी सुनने दो। शत्रुघ्न को अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। तुम हमें कहानी सुनाओ भरत। एक बार हुआ यूं कि और फिर वो अमृत गंगा में समा गया। ये बालक कुछ अमृत की बात कर रहे हैं, जरा पास जाकर सुनना चाहिए। लेकिन उस अमृत को पाने का कोई तरीका तो होगा। हाँ, एक रास्ता है। लगता है तुम्हें कहानी पसंद नहीं आ रही, जाओ और जाकर हमारे लिए अखरोट लेकर आओ। हाँ, हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है, चलो चीनी मीठे मीठे अखरोट लेके आते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुझे गुरु वशिष्ठ ने बताया है कि उनके पास एक ऐसी जादुई किताब है जिसके मंत्र पढ़ने से गंगा अपने आप वो अमृत हमें सौंप देगी। ये गुरु वशिष्ठ कौन है? अवश्य ही बच्चों के गुरु होंगे। ये तो कोई भयानक दानव लगता है। चीना, चीनी। गुरुजी, क्षमा कीजिए, मैं उस राक्षस का वध नहीं कर पाया। राम, गलती तुम्हारी नहीं है, वो एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था। उसे मारने के लिए तुम्हें दिव्य मंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। दिव्य मंत्र? हाँ, ऐसे जादुई मंत्र जिनको बोलने से तुम्हारे धनुष बाण में अनोखी शक्ति आ जाएगी। तुम्हारे छोड़े हुए तीर तूफान आंधी बाढ़ कुछ भी ला सकते हैं। अरे वाह, आप हमें इन मंत्रों का ज्ञान कब देंगे? शत्रुघ्न, अभी इन मंत्रों का ज्ञान हम केवल राम को देंगे, क्योंकि इस आश्रम में सबसे वीर और शौर्यवान वही है। राम, कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। गुरुजी सारा ज्ञान राम भैया को ही देते हैं, हमें क्यों नहीं? तुम हमेशा राम की बराबरी क्यों करते हो? वो तो हर चीज में तुमसे आगे हैं। पहले तुम अपने भाई राम जैसा बनकर तो दिखाओ, तब दिव्य शस्त्रों की बात करना। जी क्या कर रहे हो मंगू? लगता है आज बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, रात को कुछ करना होगा। उस लड़के को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पहले मुझे वो किताब हासिल करनी है। आज रात को ही वशिष्ठ के आश्रम में जाकर वो मंत्र पढ़ के आने होंगे। हाँ,
अरे वाह, लड्डू, पेड़े। जलेबी, सारी हमारी पसंद का सामान। चुप हो जाओ, नहीं तो ये जाग जाएंगी। सारे आश्रम के लोग सोए हुए हैं। उन मंत्रों को चुराने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। इनमें से गुरु वशिष्ठ की कुटिया कौन सी होगी? वहां जाकर देखना चाहिए। आहा, कितनी अच्छी खुशबू है, बहुत भूख लगी है। कौन है तू? गने का चोरी? तेरी तो मैं खाल उतार दूंगी। भाग इधर से, दुष्ट पापी। अरे इतना शोर क्यों है? गुरुजी, कोई मेरे लड्डू चुराने आया था और मैंने उसे पकड़कर अंदर बंद कर दिया है। देखे तो जरा कौन है। लगता है कोई बहुत शक्तिशाली जानवर होगा जो ये दीवार तोड़कर चला गया। ये तो बहुत कठिन शब्द है। इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ भी नहीं कि इन मंत्रों को पढ़ सकूं। कुछ और तरीका ढूंढना होगा। राम, आज से मैं तुम्हें जो भी मंत्र दूंगा उन्हें ध्यान से सुनना। ये मंत्र सिर्फ बड़े बड़े योद्धाओं को ही प्राप्त होते हैं। इन्हें सीखने के बाद तुम बड़े से बड़े राक्षस को मार पाओगे। तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। अब मैं जो भी मंत्र बोलूं, तुम उसे मेरे बाद बोलना। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भरुद्रा। कुछ कीजिए, नहीं तो जंगल के सारे जानवर हवा में उड़ जाएंगे। अब मेरे बाद एक और मंत्र बोलो। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम पुष्कराय नमः। ओम नरसिम्हाय नमः। ओम पुष्कराय नमः। आज के लिए बस इतना ही। तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो और थोड़े ही दिन में निपुण हो जाओगे। जी गुरुजी। अब मेरे साथ आश्रम चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। गुरु वशिष्ठ ने मुझे मंत्र सिखाने से मना किया तो क्या? धीरे धीरे मैं भी राम भैया की तरह निपुण हो जाऊंगा। विक्रासुर, हम बोल रहे हैं, ऊपर देखो।
महाराज महाराज बस बस थोड़े दिन और दे दीजिए। बस महाराज पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, और वो भी 2 दिन के अंदर, नहीं तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। हमारे पास समय बहुत कम है, समझे? जैसा आप कहें महाराज। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सारे दानव मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आ रहा है विश्व का सबसे वीर योद्धा शत्रुघ्न। अब तुम लोगों की खैर नहीं। मेरा मजाक बनाते हो बंदर? मुझसे डरो? मुझे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आता है, मैं एक पल में तुम सब का सफाया कर सकता हूँ। लो बनो मेरी प्रकोप का शिकार। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। दुष्ट बंदर, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत करीब है। शत्रुघ्न भैया, ये पेड़ आपके मंत्रों से नहीं हिल रहा, इसे तो मेरे दोस्त हिला रहे थे। तो आज हमने तुम्हें ब्रह्मांड में अलग अलग ग्रहों के बारे में बताया। शत्रुघ्न, तुम आज कक्षा में क्यों नहीं आए? गुरुजी, क्योंकि मंगू ने मेरी सारी पुस्तकें नदी में डुबा दी। वो इस आश्रम में कैसे आया? हमने तो मना किया था। गुरुजी, आपके मना करने के बावजूद भी वो चोरी छुपे गुरुकुल में घुस आता है और सबको परेशान करता है। गुरुजी, यहाँ तक कि सारी मिठाइयाँ और पकवान भी वही चुराता है। ठीक है, सभी शिष्यों को ये चेतावनी है कि मंगू को आश्रम के भीतर नहीं आने दिया जाए, और किसी ने भी उसे यहाँ बुलाया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया शत्रुघ्न? मंगू हमारा दोस्त है, अब वो हमारे बिना कैसे रहेगा? मंगू मुझे बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैंने उसकी शिकायत की। उसे सबक सिखाना जरूरी था। परेशान वो नहीं, तुम उसे करते हो। और तुमने गुरुजी से झूठ बोला। तुम्हारी किताबें तो कुटिया में रखी हैं। मैं अभी जाकर गुरुजी को बताता हूँ। राम भैया, आप मुझ पर धौंस इसलिए जमाते हैं ना कि आपको लगता है आप बहुत बड़े योद्धा हैं? एक बार मुझसे टक्कर लेकर तो देखिए। शत्रुघ्न, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, तुम मेरे भाई हो। नहीं भैया, आप मुझसे हारने से डरते हैं, एक बार मुझसे तीरंदाजी का मुकाबला करके तो देखिए। राम भैया, हम सब क्षत्रिय राजकुमार हैं, और एक क्षत्रिय को अगर कोई युद्ध की चुनौती दे तो उस चुनौती को स्वीकार करना एक क्षत्रिय का धर्म है। हाँ भैया लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं, आज शाम को ही फैसला हो जाएगा। आज राम भैया और शत्रुघ्न दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से एक एक चमत्कार दिखाएंगे, देखते हैं कौन बड़ा चमत्कार कर सकता है। पहले राम भैया की बारी। परंतु शत्रुघ्न को तो दिव्यास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। मुझे सब आता है, जितना ज्ञान आपको है उतना मुझे भी है। परंतु तुम्हें किसने सिखाया? तो तुम चोरी छिपे सीख रहे थे। हाँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे सिखाने से मना कर दिया। गलती गुरुजी की है, वे इस प्रकार हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भैया, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुकाबला शुरू करते हैं। ओम करालाय नमः, ओम विकरालाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः। शत्रुघ्न, अब तुम्हारी बारी है, परंतु याद रहे कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी को नुकसान हो और गुरुजी को कुछ पता चले। अगर उन्हें पता चला कि हम इस प्रकार उनके मंत्रों का उपयोग कर रहे हैं तो वो बहुत नाराज होंगे। तो ठीक है, मैं इससे बहुत बड़ा तालाब लाकर दिखाता हूँ। ओम ज्वालामुखाय नमः। भैया, लगता है यहाँ भूचाल आया है। शत्रुघ्न, इसे रोको। शत्रुघ्न, इसे रोको। इसे रोकना मुझे नहीं आता। ओम रुद्राय नमः।
अरे ये कैसे हुआ? तालाब तो सूख गया। सारे बालक मेरी कुटिया में आए अभी। तो शत्रुघ्न, तुमने चोरी छुपे ये सारे मंत्र सीखे। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम्हारा दंड ये है कि हम तुम्हें अब कभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं देंगे। और हाँ, कुछ दिन तक शत्रुघ्न से कोई बात नहीं करेगा। जो करेगा उसे भी दंड मिलेगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब मैं कभी एक बड़ा योद्धा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन गलती तो मेरी ही है। तुम्हारी कोई गलती नहीं शत्रुघ्न। तुम चले जाओ यहाँ से। डरो मत शत्रुघ्न, मैं तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ लेकर आया हूँ। और तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती तो उस वशिष्ठ की है। वो चाहते ही नहीं कि राम से अच्छा कोई योद्धा हो। तो अब मैं क्या करूँ? एक उपाय है, गुरु वशिष्ठ के पास एक किताब है जिसमें ऐसे मंत्र हैं जिन्हें पढ़कर गंगा अपने आप ही उसे अमृत सौंप देगी। तुम वो किताब चोरी कर लाओ। एक बार तुम्हें अमृत मिल जाए तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शत्रुघ्न, मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे ना? हाँ, तुम जो कहोगे मैं तो वही करूँगा। वो मंत्र लेकर आओ। जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करो। इस धरती के नीचे पाताल लो, तुम वहां जाकर ये अमृत महाराज रावण को दोगे। इस अमृत का सेवन करके महाराज रावण अमर हो जाएंगे, फिर उन्हें देवता भी नहीं हरा पाएंगे, तीनों लोकों पर उनका राज होगा। जाओ शत्रुघ्न, कहीं मत रुकना। शत्रुघ्न, तुम्हें मैंने अपने वश में कर लिया है, अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगे। और अगर तुम्हारे भाई तुमसे ये अमृत छीनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पहले तुमसे लड़ना होगा। जैसा आप कहें। महाराज रावण की जय हो। ले आए मेरा अमृत? नहीं महाराज, अयोध्या के सबसे छोटे राजकुमार स्वयं वो अमृत लेकर आपके पास आ रहे हैं। सर कासर, तुम उसके भाइयों को जानते नहीं, छोटी सी आई में ही उन्होंने कई दानवों को मार गिराया है। चिंता मत कीजिए महाराज, इसके पीछे कारण है। अपने छोटे भाई को ढूंढते ढूंढते वे यहाँ पहुँच ही जाएंगे और फिर यहाँ हम उनको भी खत्म कर देंगे। मूर्ख, उनको मारना इतना आसान नहीं है, उनके ऊपर देवताओं का हाथ है। महाराज आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, 7 दिन बाद महाशिवरात्रि है, हम 7 दिन शिव जी की तपस्या करेंगे और उसके बाद वो अमृत चखेंगे। ध्यान रहे, इन 7 दिनों में हमारे आसपास भी कोई नहीं आए। अब जाओ यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। देखो दिन निकल आया है और तुम अभी तक सो रही हो। अरे हाँ, दिन निकल आया, मंगू आज हमें उठाने क्यों नहीं आया? क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि वो आश्रम के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। चलो बाकी सबको भी उठाते हैं। उठो
उठो और मजेदार मीठे मीठे अखरोटों का सेवन करो। तुम्हें जगाने आए हैं, मीठे अखरोट लाए हैं, उठ जाओ तो भाई, नहीं तो गुरुजी करेंगे पिटाई। अब कितनी देर तक सोओगे? देखो दिन निकल आया है। शत्रुघ्न कहाँ है? लक्ष्मण, शत्रुघ्न कहाँ है? किसी ने देखा? हमने तो उन्हें कल से नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। चलो उसे ढूंढना होगा। चलिए। अरे मंगू, ये कौन सा हथियार है? भैया, आप लोग कोई तलवार से तो कोई तीर धनुष से लड़ते हैं। मैंने सोचा मैं भी अपने लिए कुछ बनाऊं, तो मैंने स्वयं अपने हाथों से ये बनाई है। इसे गदा कहते हैं। इससे तुम किसी को कैसे हराओगे? भाइयों, ये सही कह रहा है, इस गदा में बड़ी ताकत है। अभी दिखाता हूँ। मंगू, तुमने शत्रुघ्न को कहीं देखा? उन्हें तो मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन एक किताब का पन्ना मुझे यहाँ मिला। ये लीजिए। ये तो गुरु वशिष्ठ की किसी किताब का पन्ना है, इसमें कोई मंत्र लिखे हैं। मुझे दो। ए गंगा मारा काड़ा वासिनी हासरते, ए गंगा मारा काड़ा वासिनी हासरते। प्रणाम गंगा माता। बालको, तुमने मुझे इन मंत्रों से बुला तो लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकती, क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई शत्रुघ्न मुझसे लेकर पाताल लोक के लिए जा चुका है। पाताल लोक? वहाँ तो राक्षसों के राजा रावण का शासन है। हाँ, और शत्रुघ्न उसे वहाँ अमृत देने गया है। परंतु शत्रुघ्न ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि एक दुष्ट दानव शिक्रासुर ने उसे अपने वश में कर लिया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा, हमें शत्रुघ्न के पीछे जाना होगा। इस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जा सकती हूँ जहाँ पर मैं समुद्र में समा जाती हूँ। वहाँ से अपना रास्ता तुम्हें स्वयं ही तय करना होगा। हमें इस बारे में गुरुजी को बताना चाहिए। नहीं, गुरुजी शत्रुघ्न से बहुत नाराज होंगे और उसे कभी वापस आश्रम में भी नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, इतने खतरनाक कार्य के लिए वे हमें जाने की आज्ञा ही नहीं देंगे। हमें स्वयं ही कुछ करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो और डरना मत। बच्चों, मेरा साथ यही तक था। यहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा। क्या हम पाताल लोक पहुँच चुके हैं? नहीं नहीं, ये तो मायावी प्रदेश है। इसके बाद तुम्हें नागलोक मिलेगा। नागलोक के राजा नागमणि पर पहरा देते हैं, उसे मार के और उसकी नागमणि हासिल करके ही तुम पाताल लोक तक पहुँच सकते हो। ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है। और तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब तुम्हें निकलना चाहिए। कितने सुंदर फूल हैं।
हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाँ, लेकिन हमें तो रास्ता भी नहीं पता। नन्ही सी चिड़िया, क्या तुम हमें इस जंगल के पार ले जाओगी? चलो इस चिड़िया के पीछे चलते हैं। करिश्मा देखा ना कभी कहीं। किनारे इधर खड़े सब, इधर एक चट्टान खड़ी है, बोले भरत इसे अब कैसे पार करेंगे। एक फुवारा निकला नदी से, फुवारों ने कतार बनाई, बच्चों को आश्चर्य हुआ, खुश होके नाच उठे। मंगू कूदा फुवारे पर, चढ़ के वो चट्टान पे आया, ऐसे पे चढ़ के सब कोई पार हुए। लगता है ये नन्ही चिड़िया का काम ही लोगों को ये जंगल पार करवाना है। आगे का रास्ता हमें खुद तय करना होगा। हाँ भरत, और हमें बहुत संभल कर रहना होगा। लगता है आगे कई कठिनाइयाँ हैं। और हमें आगे जाने के लिए रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द रात होने वाली है। लेना चाहिए। ये किसकी आवाज है? कौन है? तुम्हें आवाज सुनाई दी, पर ये आवाज आई कहाँ से? कौन है? मनुष्य की आवाज। लगता है नया शिकार आया है। भैया देखिए, ये शिकार तो मेरा होगा। नहीं नहीं, मेरा है, मैं मारूंगा। पिछले 10 दिनों में मैंने 100 लोगों को मार गिराया है। जा, ये मौका मैं तुझे देता हूँ। मोटू लंबू है, नागलोक में रहते हैं, लेकिन सब हम पर ढोल जमाते हैं, इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर और कौन कौन रहता है? वो देखो, भाग यहाँ से। भाई को छोड़ दो। तुम ठीक तो हो ना भरत? भरत, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। हाँ भैया। मोटू, लंबू, अपने बारे में और बताओ।
ये नाग प्रदेश है, इधर नागास रहते हैं, जो आधे इंसान और आधे सांप होते हैं। नागों को जादू टोना आता है, वो मुंह से आग भी निकाल सकते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ना आग निकाल सकते हैं, ना ढंग से जादू कर सकते हैं। इसलिए नाग प्रदेश में हमें कोई नहीं पूछता। लब्बू, तुम्हें जादू नहीं आता तो क्या, मुझे तो आता है। जैसे कि मैं मंगू की पूछ गायब कर सकता हूँ। अग्रम बग्रम बूम। मेरे कान का गायब हो गए। अच्छा दिखाओ, क्या करके दिखा सकते हो? अरे इसके तो कान गायब हो गए। क्या जादू किया? आगे से जादू करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा मित्र, क्या तुम हमें पाताल लोक का रास्ता बता सकते हो? पाताल लोक? नाम से ही डर लगता है। हमने तुम्हारी उस राक्षस से जान बचाई, अब तुम हमारी मदद करो। हमें तो रास्ता नहीं पता, पर एक गुरुजी है, कल उनके पास चलना, उन्हें रास्ता पता होगा। लम्बू भाई, कुछ तो करो, मुझे अपने कार वापस चाहिए। बूम बिग्रम टिग्रम बूम। भाई देखो भाई, मेरे कार वापस आ गए। तो तुम्हें पाताल लोक जाने का रास्ता चाहिए, ये बहुत कठिन कार्य है। पाताल लोक जाने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना होगा। किंतु हमारे पास इतना समय नहीं है। एक और रास्ता है, नागमणि नाम का एक जादुई पत्थर है जो तुम्हें पलक झपकते ही पाताल लोक पहुंचा देगा। नागमणि, ये पत्थर हमें कहाँ मिलेगा? नागलोक के राजा नागराज के पास। नागराज, ये कौन है? वो यहाँ का दुष्ट राजा है, नागलोक के सब लोगों को डरा कर रखता है। नागलोक के सब लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन उसे मारना तुम बालकों के बस की बात नहीं। देखो भैया, इस किताब में लिखा है कि नागराज का अंत राम और उसके भाइयों के हाथ लिखा है। हाँ, जब वीर राम और उसके भाई यहाँ आएंगे तभी नागराज से हमें मुक्ति मिलेगी। गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं ही अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और ये मेरे भाई हैं। हम ही नागराज का अंत करेंगे। मुझे पता था तुम लोग एक दिन अवश्य आओगे, किंतु नागराज की मृत्यु किसी साधारण अस्त्र से नहीं बल्कि सर्प तलवार से होगी। सर्प तलवार, ये हमें कहाँ मिलेगी? हमें पता है, वो तलवार नागराज की गुफा में है और उसकी रक्षा जंजीरा करता है। और वो वही राक्षस है जिसने कल हम पर हमला किया था। ठीक है, हमें वहाँ ले चलो। वो रही नागराज की गुफा, लेकिन उस गुफा तक पहुँचने के लिए तुम्हें इस खाई को पार करना पड़ेगा।
अब हमें नागराज को ढूंढना है। भैया यहाँ तो कोई नागराज नहीं है। हाँ लेकिन ये सीढ़ियाँ और ऊपर कहाँ जा रही हैं? ये वही जादुई नागमणि है जिसकी मदद से हम पाताल लोक तक पहुंच पाएंगे। हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमें भी आपके साथ लेके चलो। मित्र हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक जगह है, तुम यहीं रहो। हमें भी आपके साथ चलना है, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ तुम्हारा मन भी बहलाएंगे, तुम्हें जादू के करतब दिखाएंगे। भैया हाँ कर दीजिए ना, ले चलो ना, इन्हें भी ले चलो ना, ले चलते हैं। ठीक है। और इस प्रकार ये टोली शत्रुघ्न को ढूंढने के लिए पाताल लोक के लिए निकल पड़ी। कितना सुंदर महल है, इतना सुंदर तो हमारा अयोध्या का महल भी नहीं होगा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो। हाँ चलो पहले जंगल में छुपने का स्थान ढूंढते हैं। अरे वो दानव तो हम सबको देख लेगा, चलो चलते हैं यहाँ से। चलो अभी तो
थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने मनुष्य देखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रुघ्न के भाई उसे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए हैं? मुझे चौकन्ना रहना होगा। आज तो बाल बाल बचे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। राम भैया, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम दोनों मिलकर उस दानव का सफाया कर देंगे। ठीक है ठीक है, हम लोगों को तुम पर भरोसा है, किंतु पहले ये सोच लिया जाए कि उस महल में घुसना कैसे है। भैया, मुझे लगता है पहले हमें मंगू को भेजना चाहिए। केवल मंगू ही महल के अंदर जाकर हमें बता सकता है कि हम महल में प्रवेश कैसे करें। ठीक है, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। मंगू, पर ध्यान से। अब मैं क्या करूं? ए बंदर, कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से, नहीं तो सैनिकों को बुला दूंगा। भैया, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत परेशान करता था, परंतु मैं वचन देता हूँ, आज से कोई शैतानी नहीं करूँगा। अब तो आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, चलिए ना। इस बंदर को यहाँ से ले जाओ। आपने बुलाया हमें? अब तुम नहीं बच सकते। Thank you.
असुर। जी जी राजकुमारी शूर्पनखा। ये हमारे महल में हल्ला कैसा? राजकुमारी, कोई दुष्ट बंदर महल में घुस आया है। उसे किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ। तुम्हें पता है ना, रावण भैया की तपस्या में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी। ये मंगू अभी तक नहीं आया। मंगू, समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया तो रावण को भी पता चल जाएगा और फिर हमारा महल के अंदर प्रवेश करना और भी कठिन हो जाएगा। एक उपाय है। नहीं नहीं, तुम कहीं जादू करने की कोशिश मत करना। हाँ मोटू, तुम हमें इनकी तरह जादू से राक्षस बना दो। फिर से गड़बड़ हो गई। जल्दी करो, वो लोग यहीं आ रहे हैं। दादव माधव हो जाए, माधव से दादव। ए बालको, कौन हो तुम? तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा? हम लोग नाग प्रदेश से आए हैं। हमने महाराज रावण के बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं और इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारे बंदर ने हमारे महल में बहुत आतंक मचाया है। तुम्हें हमारे साथ महाराज रावण की बहन राजकुमारी शूर्पनखा के पास चलना होगा। तो तुम लोग नाग प्रदेश से रावण भैया से मिलने आए हो? जी राजकुमारी जी। क्या नाम है तुम्हारे? हम हैं मोटू लंबू। ये हमारे भैया है रासुर, ये लक्षुर और ये भासुर। बहुत विचित्र नाम है तुम लोगों के। और हम लोग भी बहुत विचित्र है। हम नाच सकते हैं, लंबू जादू कर सकता है और आपको ढेर सारी कहानियाँ भी सुना सकते हैं। अगर आप कुछ दिन हमें महल में रहने दे तो। तुम लोग बहुत मजेदार हो। करते हैं राजकुमारी जी, आप घबराइए मत। ठीक है, रावण भैया का हवन समाप्त होने तक तुम लोग इस महल में रुक सकते हो। धन्यवाद राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी जी। अब तुम लोग जाओ। मैंने इन्हें कहीं देखा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखा है। जाओ यहाँ से, अपने काम से मतलब रखो। जी जी राजकुमारी। तुम लोग राजकुमारी के अतिथि हो, इसलिए महल में कहीं भी घूम सकते हो सिवाय पश्चिम भाग के। पश्चिम भाग में? ऐसा क्यों? क्या वहाँ महाराज रावण हवन कर रहे हैं? नहीं, किंतु मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अवश्य वहां पर अमृत छिपा कर रखा है। आज रात को वहां चलकर देखना होगा। आप लोग यहां रह सकते हैं, किंतु ध्यान रहे, महल के पश्चिम भाग में मत जाना। ठीक है। शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न भैया। चलो शत्रुघ्न से मिलकर आते हैं। वो देखो शत्रुघ्न वहां है।
हम तुम्हें लेने आ गए हैं। तुम लोग कौन हो? शत्रुघ्न, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हम तुम्हारे भाई हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि हमारे सिर पर दानवों जैसे सिंह कैसे हो गए। अरे ये तो लंबू मोटू ने हमें राक्षसों से बचाने के लिए जादू किया, लेकिन हम तुम्हारे भाई राम, लक्ष्मण और भरत ही हैं। हाँ हाँ भैया, ये लोग सच कह रहे हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। पहले मुझे ये दुष्ट बंदर परेशान कर रहा था, अब तुम लोग कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, चले जाओ यहाँ से। शत्रुघ्न से बात करके कोई फायदा नहीं। मैंने उस पर ऐसा जादू कर दिया है कि वो किसी को नहीं पहचानता। ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो? बनोमत, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन याद रखना, उस अमृत को पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। भैया, इस चिक्रासुर का तो मैं अभी सफाया कर देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, हमें पहले वो अमृत प्राप्त करना है, उसके बाद चिक्रासुर से निपट लेंगे। जैसा आप कहे भैया। जल्दी जल्दी उठ जाओ, हमें अमृत का पता लगाने जाना है। ध्यान से आगे बढ़ो। कोई जाल है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। निकल गई लड़ते लड़ते, लेकिन फिर भी ये राक्षस खत्म ही नहीं हो रहे। ये कोई मायावी जाल है, हमें फंसाने का। राम, लक्ष्मण, भरत, क्या तुम लोग यहीं हो? लक्ष्मण, हमारे नाम कौन पुकार रहा है? लगता है हम पकड़े गए भैया। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक मायावी जाल था, अगर तुम लोग जीवन भर लड़ते रहते तब भी ये दानव नहीं मरते। तुम तो विभीषण हो ना, रावण के छोटे भाई। हाँ, धन्यवाद दोस्त, तुम पहले भी हमारी मदद कर चुके हो। रावण भले ही मेरा भाई है, किंतु मैं कभी उसका साथ नहीं देता। विभीषण, क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस अमृत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? हमारे पास समय बहुत कम है। राम, अमृत पाना इतना आसान नहीं, तुम्हें ऐसे व्यक्ति से लड़ना होगा जिससे लड़ना शायद तुम्हारे बस की बात नहीं। चिंता मत करो, मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूँ।
उठ जाओ शत्रुघ्न। वे लोग अमृत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उन्हें रोकना है। चलो मेरे साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये दानव ने हमें खा लिया तो। डरो मत, मुझ पर विश्वास करो। कितनी डरावनी जगह है। इस खाई को पार करना तो नामुमकिन है। इसे पार करने का तरीका तो मुझे भी नहीं आता। रावण ने अमृत तक पहुंचने से तुम्हें रोकने के लिए बहुत बड़ा माया जाल बिछाया है, परंतु हम लोग ऐसे वापस नहीं जा सकते। राम भैया, हमारे पास एक उपाय है। आपके पास जो जादुई नागमणि है, आप उससे कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो देखो वहाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। हम ये पुल बाहर नहीं कर पाएंगे, हमें यही छोड़ दो। डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सबसे बड़ी बाधा तो दूर हुई। नहीं लक्ष्मण, सबसे बड़ी बाधा आनी तो अभी बाकी है। इस अमृत को लेने के लिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। राम, तुम्हारे आगे और कोई रास्ता नहीं है। किंतु मैं अपने भाई से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? तुम लोग अमृत लेकर चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। राम भैया बचो। मेरे साथ आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, तुमने मेरी मदद की। शत्रुघ्न, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आया कि तुम हमारे भाई हो? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। चिंता मत करो, धीरे धीरे इसे सब याद आ जाएगा। लेकिन अभी तुम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि शूर्पणखा को पता चले। मेरा तुम्हारा यहीं तक का साथ है, हम दोबारा अवश्य मिलेंगे। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद दोस्त, हम अवश्य दोबारा मिलेंगे। अभी हम चलते हैं।
इस प्रकार अमृत लेकर राम और बाकी लोग वापस आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अमृत गंगा में वापस विसर्जित कर दिया। गुरु वशिष्ठ उनसे बहुत प्रसन्न हुए। अपने मंत्रों से वे शत्रुघ्न की याददाश्त वापस ले आए। धन्यवाद गुरुजी। जब रावण को अमृत चोरी हो जाने का पता चला तो लंका में तूफान आ गया। क्या उन बालकों ने अमृत वापस गंगा में विसर्जित कर दिया? हम उन बालकों को छोड़ेंगे नहीं। रुक जा रावण, अभी तेरा उनका सामना करने का समय नहीं आया है। धीरज रख, जिस दिन समय आएगा उस दिन वे बालक स्वयं चलकर लंका आएंगे। देवताओं के बोलने पर रावण रुक गया, किंतु रावण को उस दिन की प्रतीक्षा थी जिस दिन राम और उनके भाई वापस लंका आए। देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।